हाँ बेटा, नमस्कार। आज अपन बायोलॉजी का अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जो ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर है, उसमें अपन थोड़ा सा पीछे के लेक्चर का ध्यान करें। जो अपने पिछला लेक्चर देख पढ़ा था, तो उसमें हम आसंग जनन पढ़ रहे थे। आसंग जनन पढ़ा था प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के अनुसार दो प्रकार का आसंग जनन उसमें आया था, एक अनावर्ती आसंग जनन और एक आया था पुनरावृत्ति आसंग जनन, ठीक है। आगे पुनरावृत्ति आसंग जनन के दो प्रकार हुए थे। अब अपन अनावर्ती आसंग जनन, पुनरावृत्ति आसंग जनन दो, वहीं पर मैंने बताया दो चीज़ें और जोड़ी थी, चार पॉइंट किए थे। अब हम तीसरा शुरू कर रहे हैं, जिसका तीसरे का नाम है, या फिर ऐसे लिख दो, नंबर तीन, अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता को जब अपन ने शुरू किया था कल, तो मैंने बताया था कि इसमें जो अपस्थानिक शब्द आया है, अपस्थानिक शब्द आया है, अपस्थानिक शब्द का अर्थ क्या होता है, मूल संरचना के समान, जिस संरचना के साथ में अपस्थानिक शब्द जुड़ता है, उसका अर्थ क्या हो जाता है कि ये वास्तविक नहीं है लेकिन है उसी के समान। जैसे अपस्थानिक भ्रूण, तो वास्तविक भ्रूण किससे बनता है, अंडकोशिका और नरयुग्मक के संलयन से, युग्मज से वो वास्तविक भ्रूण होता है। लेकिन अपस्थानिक भ्रूण का मतलब भ्रूण के समान संरचना, कार्य में भी भ्रूण के समान, संरचना में भी लगभग भ्रूण के समान, मतलब के समान, मूल संरचना के समान, ठीक है। तो ये अर्थ होता है अपस्थानिक का। अब अपन अपस्थानिक भ्रूणता को पढ़ते हैं। देखिए परिभाषा क्या है अपस्थानिक भ्रूणता की, कि भ्रूण का निर्माण मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष के बाहर की किसी भी द्विगुणित कोशिका क्या ले सकते हैं इसमें। अब ध्यान देना, भ्रूण कोष के बाहर कौन कौन से भाग होते हैं। अध्यावरण कहाँ होता है, भ्रूण कोष के बाहर होता है, या ऑब्लिक लगा के एक और ऊतक होता है, कौन सा, बीजांड काय। दोनों ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, भ्रूण कोष के बाहर पाए जाते हैं। तो द्विगुणित कोशिका से होने पर यह अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। ध्यान दो, अपस्थानिक भ्रूणता का अर्थ क्या हो गया, भ्रूण का निर्माण कहाँ से हो रहा है, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष के बाहर से। भ्रूण कोष के बाहर कौन से दो ऊतक होते हैं, बीजांडकाय और अध्यावरण। बीजांडकाय ऊतक कैसा होता है, द्विगुणित,
अध्यावरण ऊतक कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो इनकी किसी भी कोशिका से, अब इन दोनों में से किसी की भी एक कोशिका से, तो वो कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी। से क्या होता है? भ्रूण का विकास, तब इसको कहते हैं हम अपस्थानिक भ्रूणता। यही परिभाषा हमने एक के लिए और पढ़ी थी, इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? इसे बीजाणुद्भेद आसंग जनन भी कहते हैं, आसंग जनन भी कहते हैं। ठीक है, यानी अब बीजाणुद्भेद शब्द आ रहा है। बीजाणुद्भेद का अर्थ हम सीधा सीधा क्या लगाते हैं? 2n से। ठीक है, आसंग जनन का अर्थ बिना निषेचन के। तो यदि किसी भी द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा है, और वो कोशिका कैसी है? अंड कोशिका और नर युग्मक के संलयन के अलावा, तो इसे कहते हैं हम बीजाणुद्भेद आसंग जनन। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं और बीजाणुद्भेद आसंग जनन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रक्रियाएं कुछ पौधों में पाई जाती हैं, तो हम उदाहरण ले सकते हैं। तो उसमें उदाहरण जैसे नींबू, आम आदि। इन पौधों में क्या होता है? कई बार भ्रूण का निर्माण किससे हो जाता है? अध्यावरण या बीजांडकाय की किसी भी एक द्विगुणित कोशिका से हो जाता है, जिसको अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भेद आसंग जनन कहते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। तीसरी चीज जो आती है वो आती है, सॉरी चौथी, फोर्थ नंबर क्या लिखा था? कायिक आसंगजन। ये सबसे अलग है थोड़ी सी। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें क्या शब्द आ रहा है? कायिक शब्द आ रहा है। ठीक है, कायिक का अर्थ क्या है? कायिक का अर्थ ये है कि पुष्प के अलावा पौधे के जितने भी भाग होते हैं, कौन से भाग कहलाते हैं? कायिक भाग कहलाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आसंग जनन, यानी बिना निषेचन के भ्रूण का विकास किसके द्वारा? कायिक शब्द लग रहा है, कायिक भाग के द्वारा। ठीक है, उदाहरण, सॉरी आगे प्रक्रिया क्या कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, कई बार जो पौधे पर पुष्प कलिका निर्मित होती है, पौधे पर पुष्प के विकास से पहले क्या बनती है? पुष्प कलिका बनती है। तो वो पुष्प कलिका आगे पुष्प में विकसित न होकर के रूपांतरित हो जाती है किसमें? प्रपत्र कलिका के रूप में, या इसको हम क्या कह सकते हैं? कायिक प्रवर्ध भी कहते हैं। ठीक है, प्रपत्र कलिका को अंग्रेजी में कहते हैं बल्बिल्स, और कायिक प्रवर्ध को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, है ना? तो पुष्प कलिका पुष्प में नॉर्मली क्या होता है? पुष्प कलिका से विकास होता है किसका? पुष्प का होता है। लेकिन पुष्प में विकसित न होकर के क्या हो जाए? पुष्प कलिका प्रपत्र कलिका में रूपांतरित हो जाती है, और फिर इन प्रपत्र कलिकाओं के अंकुरण से ये अंकुरित हो जाते हैं और क्या बन जाता है? नया पौधा बन जाता है। ये किस में आता है? कायिक जनन में आता है, कायिक जनन में आता है। ठीक है, तो इसमें कायिक आसंग जनन में भी क्या होगा कि जो प्रपत्र कलिका या कायिक प्रवर्ध बने हैं, ये
पौधे पर जब लगे हुए होते हैं उसी अवस्था में अंकुरित हो जाएं और अंकुरित होकर के किसका निर्माण करें, भ्रूण समान संरचना का, भ्रूण समान संरचना। और भ्रूण समान संरचना के एक एक शब्द लिया जाता है इसके लिए भ्रूणाभ। इसका यदि निर्माण हो जाता है इनसे सीधे अंकुरण के द्वारा, तब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाएगी कायिक आसंग जनन। फिर से समझ लो, पौधों में जब पुष्प का निर्माण होता है तो एक छोटी सी कलिका निर्मित होती है सबसे पहले, जिसको कहते हैं पुष्प कलिका। और इस पुष्प कलिका विकसित होकर के क्या बनाती है, पुष्प बनाती है सामान्यतः। लेकिन कई पौधों में क्या होता है, ये प्रक्रिया न हो करके क्या हो जाता है, पुष्प कलिका रूपांतरित हो जाती है किस में, प्रपत्र कलिकाओं में यानी बल्बिल्स में, या कायिक प्रवर्ध भी कहते हैं। और ये बल्बिल्स या कायिक प्रवर्ध पौधे पर लगे हुए ही इनमें अंकुरण हो जाता है और क्या बन जाता है, भ्रूण समान संरचना। अब क्या कहलाएगी ये, कायिक आसंग जनन। क्यों, क्योंकि इसमें भ्रूण समान संरचना का निर्माण हुआ बिना निषेचन के, तो आसंग जनन किस भाग के द्वारा हो रहा है, कायिक भाग के द्वारा या कायिक प्रवर्ध के द्वारा, इसलिए कायिक शब्द जुड़ गया। ठीक है, अब परिभाषा लिखते हैं इसकी, हम मिटा दो इसको। परिभाषा, अनेक पौधों में पुष्प कलिका रूपांतरित होकर प्रपत्र कलिका या कायिक प्रवर्ध बनाती है। ये कायिक प्रवर्ध पौधे पर ही अंकुरित होकर भ्रूणाभ का मतलब भ्रूण समान संरचना। ठीक है, का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया कायिक आसंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, कायिक आसंग जनन कहलाती है। फिर से परिभाषा को देखें, इसमें क्या हो रहा है, प्रपत्र कलिका रूपांतरित हो रही है, ठीक है, और सॉरी पुष्प कलिका रूपांतरित हो रही है किसमें, कायिक प्रवर्ध में। कायिक प्रवर्ध अंकुरित हो रहे हैं पौधे पर ही, किसका निर्माण कर रहे हैं, भ्रूण समान संरचना का, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, कायिक आसंग जनन। इसमें उदाहरण लेते हैं, कुछ पौधों में ही पाई जाती है ये। उदाहरण किसका ले सकते हैं, एक तो जैसे प्याज, एक ले सकते हैं अगेव। इन पौधों में कायिक आसंग जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो ये आसंग जनन पढ़ा हमने, पहले
जो प्रक्रिया पढ़ी उसमें दो प्रकार पढ़े, बीजाणुर्विदासंग जनन और युग्मकोद्विदासंग जनन। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के अनुसार भी दो प्रकार पढ़े, अनावर्ती आसंग जनन और पुनरावर्ती आसंग जनन। उन दोनों प्रकारों के अतिरिक्त हमने दो चीज़ें और पढ़ी इसमें। तीसरी आई अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता क्या है? बीजाणुद्भिद आसंग जनन को ही अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। और ये चौथी नंबर कायिक आसंग जनन। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो परिभाषाएँ हैं ये केवल यहाँ नाम बदल रहे हैं, केवल इसमें अंतर आया है। किसमें? कायिक आसंग जनन में। बाकी जितनी भी परिभाषाएँ पढ़ी हैं वो केवल नाम बदले हैं, परिभाषाएँ लगभग एक दूसरे के समान ही रही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो आसंग जनन की प्रक्रिया है इसका वनस्पति जगत में महत्व तो क्या है, है ना? आसंग जनन का वनस्पति जगत में महत्व तो क्या है वो पढ़ते हैं। आसंग जनन का महत्व, अब देखिए महत्व तो पढ़ने के लिए हमें दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान देनी है, मुख्य मुख्य केवल। क्या क्या? पहला, एक तो बिना निषेचन, ये शब्द आ रहा है बार बार इसमें। दूसरा, कई प्रक्रियाओं में युग्मक निर्माण भी नहीं हो रहा, युग्मक निर्माण नहीं कई प्रक्रियाओं में। जैसे बीजाणुद्भिद आसंग जनन पड़ा, डायरेक्ट ही किससे भ्रूण बन रहा है? अध्यावरण की कोशिकाओं या बीजांडकाय की कोशिकाओं से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें एक तीसरी बात और जोड़ सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। नहीं होता, ठीक है। तो आसंग जनन में अगर हम आसंग जनन का एक समरी निकालें तो ये तीन चीज़ें ध्यान में आएंगी। कई प्रक्रियाओं में तो युग्मक निर्माण हो रहा है लेकिन निषेचन नहीं हो रहा, कई प्रक्रियाओं में युग्मक निर्माण ही नहीं हो रहा, और कई प्रक्रियाओं में तो अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हो रहा, है ना? कुल मिलाकर के इसमें बात यह आ जाती है कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन को नेग्लेक्ट ही माना जाता है, नहीं होता। क्यों? मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक निर्माण हो भी जाता है तो उनका संलयन नहीं हो रहा, तब भी अर्धसूत्री विभाजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो कुल मिलाकर के अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता अपन ये मान लें, तब हम इसके महत्व के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला महत्व, मुख्य मुख्य लिखने हैं। पहला, आसंग जनन द्वारा निर्मित संतति पौधे जनक पौधों के क्लोन होते हैं। क्लोन का अर्थ क्या होता है? क्लोन का अर्थ होता है कि जब संतति किसके समान हो? जनक के समान हो, आनुवांशिक लक्षणों में, संरचना में, कार्यों में, तब हम क्या कहते हैं? संतति को क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो इसी से हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। अगर मान लीजिए संतति जनक की क्लोन है तो इसमें जनक पौधों के सभी लक्षण संतति पौधों में
उपस्थित रहते हैं। क्लोन का अर्थ निकाल दिया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए जनक पौधे में कोई एक अच्छा लक्षण है, विशिष्ट लक्षण, तो आसंग जनन की प्रक्रिया के द्वारा यदि हम उससे संतति पौधे प्राप्त करते जा रहे हैं तो उनमें वो विशिष्ट लक्षण हम कितने भी समय तक उसको संरक्षित रख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट, पौधों के लाभदायक यानी कोष्ठक में क्या लिख दें, विशिष्ट लक्षणों को आसंग जनन द्वारा लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है, तीनों पॉइंट वहीं से निकल रहे हैं, क्लोन शब्द से ही। और क्लोन क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। जब जनन की प्रक्रिया में यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा किसी कारणवश, तब तक क्या होगा, लक्षणों में भिन्नता नहीं आती संतति के। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो संतति के लक्षणों में जनकों के लक्षणों की तुलना में भिन्नता आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए संतति कैसी बनेगी, बिल्कुल जनकों के समान, जिसको क्लोन कहते हैं। चौथा पॉइंट और लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया पादप प्रजनन में महत्वपूर्ण है। तो ये क्या हो गए, आसंग जनन के महत्व हो गए। क्या हो गए, आसंग जनन के महत्व। ठीक है, आसंग जनन की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद फिर एक प्रक्रिया आती है जिसका नाम है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता हमने कई बार पढ़ी है इसी चैप्टर में, तो इसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसकी परिभाषा कई बार आ चुकी है, इसके उदाहरण कई बार आ चुके हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही है जो हम अभी तक परिभाषा देते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे अगला टॉपिक अनिषेक बीजता को क्रॉस करते हुए शुरू करेंगे। एक विशिष्ट प्रजनन की विधियों में विधि आती है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी भी थी लास्ट में, जिसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन। ध्यान कीजिए, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन हमने किसमें पढ़ी थी, पहले चैप्टर में। तो यहाँ चूंकि हम जनन की विशिष्ट विधियाँ पढ़ रहे हैं, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अतिरिक्त विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो ये अतिरिक्त में आती है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि है, इसलिए ये अतिरिक्त में पढ़ी जाती है। ठीक है, इसका एक दूसरा शब्द सूक्ष्म प्रवर्धन को ही क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन भी कहते हैं या पात्रे संवर्धन भी कहते हैं, ये सब इसी के नाम। ऊतक संवर्धन कहने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें एक पौधे का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक पौधे के कायक भाग का छोटा सा खंड लिया जाता है, यानी ऊतक लिया जाता है।
और उसको कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित करके नया पौधा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको ऊतक संवर्धन कहते हैं। पात्रे संवर्धन कहने का कारण क्या है? क्योंकि संवर्धन किस में हो रहा है? पात्रों में, पात्रों में। और पात्र का अर्थ क्या हो गया? प्रयोगशाला, सीधा सीधा में। प्रयोगशाला जो होती हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? कांच के पात्र पाए जाते हैं, ग्लासवेयर्स कहते हैं जिनको। उन कांच के पात्रों में प्रयोगशाला के अंदर निर्जमित परिस्थितियों में जो संवर्धन होता है उसको पात्रे संवर्धन कहा जाता है। एक शब्द आया भी, कौन सा? निर्जमित संवर्धन। निर्जमित, पहले संवर्धन को हटा दें अपन, संवर्धन तो आ ही रहा है सब में। निर्जमित शब्द क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टरलाइज, ठीक है? स्टरलाइज या निर्जमित का अर्थ होता है विदाउट एनी कंटामिनेशन, ठीक है? इसका अर्थ विदाउट का मतलब बिना किसी, एनी माने किसी, कंटामिनेशन का मतलब संक्रमण, बिना किसी संक्रमण के। संक्रमण किसका होता है? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों में क्या क्या आते हैं? विषाणु, जीवाणु और कवक। यानी बिना किसी संक्रमण के निर्जमित परिस्थिति हो गई। निर्जमित परिस्थितियों में प्रयोगशाला के अंदर क्या करना? पात्रों में पौधे का निर्माण करना, वो कहलाता है पात्रे संवर्धन, ठीक है? तो इसको पूरी प्रोसेस किस तरीके से चलती है? ये क्या है? प्रयोग है, एक प्रैक्टिकल है, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को अपन अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा, तब तक आप आसंग जनन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बेटा? तो पात्रे संवर्धन अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू कर लेंगे। धन्यवाद।